नमस्कार स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बिहार अड्डा के शानदार सेशन में। और आज जो है हम आपके सामने लेकर आए हैं, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप ही का प्रदेश झारखंड अब हो गया है पूरे 21 साल का, एकदम पूरा जो है वोट करने लायक और आगे बढ़ने लायक हो गया है आपका स्टेट झारखंड। और झारखंड का स्थापना दिवस हम मना रहे हैं आज, उसके साथ साथ हम भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनकी जयंती भी आज ही के दिन हुई है और होती है, और इसको हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। और झारखंड स्टेट के बारे में और भगवान बिरसा मुंडा के बारे में मैं आपको आज कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो हैं बताने वाली हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज जो आपको पता है कि हमारा झारखंड स्टेट जो पहले बिहार का ही हिस्सा होता था, बिहार ये ऊपर वाला जो इसका नदन, जो इसका उत्तरी सीमा है, ये उत्तरी सीमा पूरी बिहार से अलग हुई है 15 नवंबर सन 2000 को। तो ये इस दिवस को हम मनाते हैं झारखंड का स्थापना दिवस। झारखंड जो कि पहले आता था बंगाल प्रेसिडेंसी में, बंगाल का एक हिस्सा होता था अंग्रेजों के, ब्रिटिश राज के समय, उसके बाद इसको बिहार में शामिल किया गया और फिर इसको एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया 15 नवंबर सन 2000 को। और अब ये जो कि आपको पता है पूरे 21 साल का हो चुका है, तो इसके लिए हमारा बिहार पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 आपको याद रखना है। इस दिन ही ये बेसिकली ज्यादातर आपका जो है इस अधिनियम के अंतर्गत ही ये दूसरा स्टेट बनाया गया था। और इसके आगे आप देखिए, इस दिन हम आदिवासी नेता बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जिनको बोला जाता है, उनका जो है जन्म दिवस भी मनाते हैं। और इस दिन को 15 नवंबर को यानी कि इसीलिए ही चुना गया था क्योंकि ये भगवान बिरसा मुंडा जो कि झारखंड की जनजाति जो जनता है उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है भगवान बिरसा मुंडा, और इन्हीं के जन्म दिवस को यहाँ पर झारखंड का जन्म दिवस भी माना गया है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए बिरसा मुंडा के बारे में हम कुछ बातें यहाँ पर जान लेते हैं। उनका जन्म 1875 में हुआ था और इन्हें अक्सर हम धरती अब्बा या पृथ्वी पिता के रूप में जानते हैं। तो इसके साथ साथ उन्होंने जो है नेतृत्व का विद्रोह भी किया और जो है अंग्रेजों के खिलाफ अपनी धरती माँ को बचाने के लिए अपनी जान भी दे दी। तो आप देख सकते हैं इन्होंने उल गुलान विद्रोह ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ यहाँ पर लड़ा था, और इस विद्रोह में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है संघर्ष किया था अपनी जनजाति के साथ मिलकर। इसके अलावा उन्होंने क्या क्या काम किए, उन्होंने आप देख सकते हैं उल गुलान जो विद्रोह है बिरसा मुंडा के द्वारा, उन्होंने जनता को जगाया और उनके अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के बीज उन्होंने बोए। उन्होंने साहूकारों और जो कर्ज और अंग्रेजों का करों का भुगतान बंद करने के लिए, जो कि अननेसेसरी यानी कि बिना जरूरत के कर लिया जाता था आदिवासी जनता से, उसको रोकने के लिए उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, उनको जागृत किया। फिर उन्होंने जो है विक्टोरियन शासन को समाप्त करने के लिए झारखंड जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट था उसको मुंडा शासन की स्थापना करने के लिए उसमें संघर्ष किया। और आप देख सकते हैं जब आप बिरसा मुंडा जो है मुंडा विद्रोह जो जिसको हम बोलते हैं उल गुलान विद्रोह जिसको बोलते हैं उसकी कुछ तस्वीरें। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स उन्होंने दो सैन्य इकाइयां बनाई थी, ये बहुत जरूरी है आप जान लीजिए, बिरसा मुंडा जी ने दो सैन्य इकाइयां बनाई थी, एक सैन्य प्रशिक्षण और एक सैन्य संघर्ष के लिए, यानी कि उन्होंने अपने ही लोगों को इकट्ठा किया, उसको प्रशिक्षित किया और अंग्रेजों के खिलाफ उसको इस्तेमाल किया। उन्होंने धर्म और राजनीति के साथ जोड़ा और गांव-गांव में जाकर लोगों को यहाँ पर एकजुट किया, यहाँ पर इकट्ठा किया और राजनीतिक सैन्य संगठन का निर्माण किया। और इसी सैन्य संगठन की वजह से की मदद से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह अपना जारी रखा। फिर इन्होंने एक और काम किया आदिवासियों के खिलाफ शोषण और भेदभाव के लिए, 1908 में आया छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है इन्हीं के प्रयासों की वजह से आया, जिसमें कोई भी अंग्रेज यानी कि कोई भी बाहरी आउटसाइडर अब जो आदिवासी है झारखंड के उनकी जमीनों को नहीं हड़प सकता है, उनकी जमीनों को नहीं छीन सकता है। तो इतना महत्वपूर्ण योगदान झारखंड को बिरसा मुंडा जी की तरफ से मिला है, इसी वजह से हम उनको धरती पिता या हम भगवान भी उनको बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने किसी भगवान से कम हमारी जनता के लिए काम नहीं किया। तो आप सभी को मुबारक हो 21वां साल झारखंड दिवस और झारखंड का फॉर्मेशन डे और भगवान बिरसा मुंडा जी की आपको जो जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।